नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बी टाउन हब चैनल में आज हम बात करेंगे चेन्नई एक्सप्रेस 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चेन्नई एक्सप्रेस 2 मूवी का फर्स्ट सीक्वल चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में रिलीज हुआ था, जो दर्शकों को काफी पसंद आया था और इस मूवी को दर्शकों ने बहुत सारा प्यार दिया था। चेन्नई एक्सप्रेस जो 2013 में आई थी, वो हिंदी लैंग्वेज की एक्शन कॉमेडी फिल्म रही थी, जो दर्शकों का शाहरुख खान ने बहुत ही एंटरटेनमेंट करवाया था, क्योंकि ये मूवी में शाहरुख खान देखने को मिले थे और साथ में दीपिका पादुकोण भी थी। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, और रोहित शेट्टी डायरेक्टर हो और एक्शन ना देखने को मिले वैसा तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए इस मूवी में भर भर के एक्शन देखने को मिला था। और इस मूवी में एक ट्रेन में जर्नी दिखाई गई थी मुंबई से लेकर रामेश्वर तक की, और इस बीच में जो एंटरटेनमेंट होता है वो इस मूवी में दिखाया गया था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था और इस मूवी में बहुत ही अच्छा लोकेशन लिया गया था, जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था, और सब में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लगी थी। इस मूवी में शाहरुख खान राहुल का किरदार करते हुए देखने को मिले थे। इस मूवी को 70 करोड़ के बजट पर बनाया था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 200 से 250 लेकर से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी। और इस मूवी में दीपिका पादुकोण मिनम्मा का किरदार करते हुए देखने को मिली थी। इसके अलावा जो एक किरदार था वो बहुत ही पसंद आया था दर्शकों का, वो था तंगबली का, जो निकितन धीर ने निभाया था। इसके अलावा इस मूवी में आइटम सॉन्ग भी रहा था, जो प्रिया मणि करती हुई देखने को मिली थी। ये मूवी बहुत ही जबरदस्त रही थी और अब फिर से इसी का सीक्वल लेकर आ रहे मेकर्स चेन्नई एक्सप्रेस 2 मूवी। और ये चेन्नई एक्सप्रेस 2 मूवी, ये शाहरुख खान की हाल ही में जवान मूवी रिलीज हो जाए, इसके बाद उनकी डंकी मूवी रिलीज होने वाली है, इसके बाद ये चेन्नई एक्सप्रेस 2 मूवी पर वो काम स्टार्ट करेंगे। हाल में तो शाहरुख खान की जवान मूवी का बस बहुत ही तेजी से बना हुआ है और हाल ही में उनके ही अपडेट सामने आ रहे हैं, इनकी एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और उनकी चर्चा को लेकर पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। हर एक दिन नई नई अपडेट जाने के लिए दर्शक उत्सुक रहते हैं। इस मूवी से जुड़ी हर एक अपडेट पर उनकी नज़र टिकी हुई है और ये मूवी 7 सितंबर 2023 को रिलीज होने वाली है, यानी कि इस मूवी के दिन का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। और इसके बाद उनकी बारी है डंकी में धमाल मचाने की, जिसमें वो तापसी पन्नू के संग नजर आने वाले हैं और इसके बाद वो चेन्नई एक्सप्रेस 2 मूवी पर काम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो इनकी स्क्रिप्ट पर काम स्टार्ट ही है और इस मूवी को हाई लेवल के बजट पर बनाया जाएगा और इस मूवी को रोहित शेट्टी द्वारा ही डायरेक्ट किया जाएगा और प्रोड्यूस करेंगे रेड चिली एंटरटेनमेंट। और स्टार कास्ट की बात की जाए तो ऑन स्क्रीन पर फिर से हमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी और फिर से बड़ी स्क्रीन पर शाहरुख खान नए लुक और नए अवतार में एंटरटेनमेंट करते हुए दर्शकों का देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप भी ये चेन्नई एक्सप्रेस 2 मूवी देखने के लिए कितने तैयार हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे उनसे जुड़ी और लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।